Friends, welcome back to my channel Engineer Sanaullah. In this video, you will get to know the complete house construction process step by step in detail. Friends, देखिए ये 20 by 30 का plan है, south face है. मैंने previous video में upload भी किया था इसका elevation details. ये देखिए अभी site measurement हो रहा है. यहाँ पे 3, 4, 5 method भी check किए हैं already. लेंथ में आके ये जो है 30 है और विड्थ में आके 20 है. साउथ फेस है, कॉर्नर साइड है. यहाँ पे अभी सेंटर लाइन ड्राइंग से हम स्टेप बाय स्टेप लाइन चेक कर रहे हैं. आप प्लान में डिटेल देख सकते हैं. यहाँ पे सेंटर लाइन मार्किंग जो किया हुआ है उसके हिसाब से मेजरमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं. ये देखिए अभी फाउंडेशन मार्किंग हो रहा है. पिट का साइज़ आके जो है इसका 4x4 है, मतलब 4 फीट विड्थ 4 फीट लेंथ में इसका पिट साइज़ है. और डीप इसका एक्सकवेशन जो है 6 फीट है. हार्ड साइल हमको मिल गया है, हार्ड स्ट्राटा. ये ब्लॉक कॉटन साइल है. ये देखिए ऑलरेडी बोरिंग हो गया है साइट में. कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है नाइट में भी चालू है. इसका फाउंडेशन देखिए, यहाँ पे एक्सकवेशन हो रहा है. टोटल 12 पिट है इसमें. नेबर प्लॉट जो आके कॉमन वॉल है ये साइड में. अंडरग्राउंड वाटर टैंक और कॉलम यहाँ पे पूरा मिला कि एक ही में एक्सकवेशन किया गया है. ये देखिए जेसीबी से एक्सकवेशन हो रहा है. 6 फीट फाउंडेशन डीप है, आप देख सकते हैं. ये देखिए पीसीसी है, ब्लेंडिंग 1:4:8 इसका प्रोपोर्शन है मिक्सिंग. वन सीमेंट, 4 सैंड और 8 एग्रीगेट है. ये देखिए अभी प्लम्ब बॉक्स से कॉलम पोजीशन मार्किंग हो रहा है. कॉलम पोजीशन मार्किंग बहुत ही एक्यूरेट होना है. ये देखिए प्लम्बम नीचे हैंगिंग हो रहा है, इसलिए हमको उसको स्टेबल करना है. पहले स्टेबल करके अभी देखिए मार्किंग करते हैं इसका. प्लम्ब बॉक्स से कॉलम मार्किंग हो गया. अभी ये मार्किंग होने के बाद कॉलम का पोजीशन सेट करते हैं यहाँ पे नीचे पीसीसी के ऊपर. स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट देख सकते हैं वीडियो. ये देखिए कॉलम साइज मार्क कर रहे हैं. अभी ये कॉलम जो है 9 इंच बाय 9 इंच का है. इसमें दो टाइप के कॉलम आते हैं, 9 इंच बाय 9 इंच का और एक 1 फीट बाय 9 इंच. ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए. हम इसका जवाब भी और आंसर भी आपको कमेंट में ज़रूर देंगे. अभी देखिए फुटिंग रिइंफोर्समेंट पीसीसी के ऊपर हमने मैट रखा हुआ है. इसका मैट का जो है डिटेल्स जो है 10 mm का रॉड यूज़ किया है, 6 इंच बाय 6 इंच सेंटर टू सेंटर. और यहाँ पे 12 mm थिकनेस ऑफ रॉड यूज़ किया है हमने कॉलम के लिए. सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है. ये देखिए 4 रॉड्स है, ये कॉलम है, 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम है. देखिए हमने पूरा कॉलम अभी यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है. 12 कॉलम्स है टोटल. यहाँ पे 4 कॉलम है और अंडरग्राउंड वाटर टैंक है. तो हमने पूरा मिला कि एक ही बार एक्सकेवेशन कर दिया है यहाँ. अभी जो है फुटिंग का कंक्रीट हो रहा है. यहाँ पे प्लेन फुटिंग हमने यूज़ कर रहे हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन फुटिंग है. और इसका मिक्सिंग जो आके
M20 ग्रेड है, वन बैग सीमेंट, वन एंड हाफ सैंड एंड थ्री बैग जो है यहाँ पे एग्रीगेट यूज़ किया हुआ है। M20 ग्रेड मिक्सिंग है, अभी देखिए कॉन्क्रीटिंग हो रहा है यहाँ पे। तो ये मिक्स के लिए 30 लीटर वाटर यूज़ करते हैं। और वाइब्रेशन भी इसके साथ में करते रहना है, क्योंकि एयर बबल्स जो है रिमूव करना है हमको, और कॉम्पैक्शन जो है अच्छे से होना है। ये देखिए अभी कॉलम फॉर्म वर्क कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेक कॉलम। जो बिलो द ग्राउंड लेवल होता है वो नेक कॉलम है। ये देखिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे सिंगल वॉल का जो है पहले ब्रिक वर्क होता है, उसके बाद रिइंफोर्समेंट बनते हैं 8 mm का, सेंटर टू सेंटर 7 इंच और 6 इंचेस आता है, उसके बाद ऊपर फिर कॉन्क्रीटिंग होता है। तो ऐसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद उसमें फिर प्लास्टिंग होता है। ये देखिए अभी कॉलम जो एक्सकेवेशन हुआ था, फुटिंग होने के बाद हम बैक फिलिंग कर रहे हैं सॉइल को। अच्छे से बैक फिलिंग हो जाने के बाद अच्छे से इसको कंपैक्शन करना है, क्योंकि सॉइल जो है पूरा अच्छा कंपैक्शन हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे प्लिंथ बीम के लिए एक्सकेवेशन हो रहा है, इसके ऊपर पीसीसी आएगा, फिर प्लिंथ बीम का रिइंफोर्समेंट, उसके बाद कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस चालू होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ देखिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक में रिइंफोर्समेंट और कॉन्क्रीट का प्रोसेस चालू है। ये देखिए प्लिंथ बीम का पोजीशन मार्किंग के लिए लाइन यहाँ पे ऑलरेडी पूरा सेट है। इसके ऊपर प्लिंथ का रिइंफोर्समेंट आएगा, 3 बॉटम में 12 mm के रॉड्स है और टॉप में 12 mm के 3 रॉड है। टोटल आगे इसमें 6 रॉड हमने यहाँ पे सेट किया है। फिफ्टीन इंच का प्लिंथ बीम हाइट है। ये देखिए प्लिंथ का रिइंफोर्समेंट, 12 mm टॉप रॉड्स और बॉटम में 12 mm 3 बॉटम रॉड्स, टॉप 3 और बॉटम 3 12 mm रॉड्स। ये देखिए इसका शटरिंग वर्क भी चालू है। ये देखिए 4 कॉलम और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जो मैंने पहले भी बता दिया था आपको, एक ही जगह पे एक्सकेवेशन किया है, साथ में सेपरेट नहीं किया, एक ही साथ में हो गया है पूरा एक्सकेवेशन। ये देखिए अभी अंडरग्राउंड वाटर टैंक का प्लास्टरिंग हो रहा है। प्लिंथ का फॉर्म ऑफ शटरिंग जो है अभी चालू है, ये भी फाइनलाइज हो रहा है। आपको यहाँ पे लेवल सही से चेक करना पड़ेगा जैसे शटरिंग होने के बाद। ये देखिए कॉन्क्रीट का प्रोसेस चालू है यहाँ पे प्लिंथ बीम का। मैंने पहले बता दिया है आपको M20 ग्रेड कॉन्क्रीट मिक्स हो रहा है, वन बैग सीमेंट, वन एंड हाफ जो इसका सैंड है और 3 बैग जो है इसका एग्रीगेट है। M20 ग्रेड कॉन्क्रीट मिक्स, 30 लीटर वाटर। कंपैक्शन जो है यहाँ पे वाइब्रेशन भी करना पड़ेगा प्रॉपरली। एयर रिमूव करना है, अगर आप सही से कंपैक्शन नहीं करेंगे तो हनीकम्ब आ जाएगा,
इसमें ये देखिए हमने डी शेटरिंग किया है। अभी यहाँ पे ब्रिक वर्क चालू है फाउंडेशन के लेवल। इसका फाउंडेशन लेवल जो है हाइट फ्रॉम द रोड जो है इसका 4 फीट, ये जो 3 फीट 4 फीट 2 फीट जो लेते हैं ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है इन इंडिया। और गल्फ में तो वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये देखिए टैंक का प्लास्टरिंग हो गया है, अभी इसका स्लैब बाकी है। ये देखिए कॉलम रेज हो रहा है यहाँ पे, और जो मैंने 4 फीट बताया था आपको वो हमने हाइट जो है इसका अभी कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ हम टैंक और रिइंफोर्समेंट स्लैब का वो भी हो रहा है साथ में। एक ओपनिंग जो है टैंक का है और एक ओपनिंग जो है बोरिंग का है। अभी फाउंडेशन आपका लेवल हो जाने के बाद अब इसमें बैक फिलिंग होता है सॉइल। जैसे ही आपका बैक फिलिंग कम्प्लीट हो जाएगा इसमें आपको एंटी टर्माइट भी यूज़ करना पड़ेगा। ये ज़्यादा तौर पर विलेज एरियाज में होता है, आप एंटी टर्माइट दीमक से भी बच सकते हैं। अभी ये कम्प्लीट होने के बाद आप एंटी टर्माइट भी यूज़ कर लीजिए, अच्छा रहेगा, दीमक से बच जाएंगे आप। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है अभी सॉइल। ये देखिए अभी फर्स्ट कोर्स ऑफ ब्रिक वर्क प्रोसेस चालू है, अभी काम हो रहा है यहाँ पे। सॉइल को हमने 1 वीक तक ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद ही काम चालू हुआ है। अभी देखिए वो होने के बाद कॉलम रेजिंग हो रहा है, हमने 4 फीट का यहाँ पे कॉलम रेज किया है। फिर वहाँ से फिर 3 फीट करके 7 फीट तक ले लेंगे अप टू लिंटल लेवल। ओके, देखिए ब्रिक वर्क के साथ साथ हम यहाँ में स्टेयर केस का कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है। इसका एंट्रेंस जो है रोड जो है इसका साउथ फेस है, और इसका मेन एंट्रेंस जो है हमने यहाँ पे ईस्ट फेस में कन्वर्ट किया हुआ है। ये देखिए स्टेयर केस कंस्ट्रक्शन M20 ग्रेड कॉन्क्रीट मिक्स, यहाँ पे 12 mm थिकनेस रॉड यूज़ किए हैं। ये वेस्ट स्लैब है, ये देखिए मेन एंट्रेंस है यहाँ पे। ये जो है लेफ्ट साइड में सीट आउट है, एक रूम हॉल, तो इसमें 20-30 में 2 रूम मिल जाएंगे आपको। ये देखिए कंप्लीट हो गया है 7 फीट तक अप टू लिंटल लेवल। कंस्ट्रक्शन जो है 7 फीट तक कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ब्रिक वर्क कितना खूबसूरत आया हुआ है, कितना एक्यूरेट है। आपको मिनिमम 3 टाइम्स क्यूरिंग करना ही पड़ेगा इसको। ये देखिए स्टेप्स भी हो गए हैं अप टू 7 फीट। ये देखिए एंट्रेंस, ये सीट आउट है लेफ्ट में, ये मीटर बॉक्स के लिए ओपनिंग प्रोवाइड किया है। ये सीट आउट है, 7 फीट तक कंप्लीट हो गया है कंस्ट्रक्शन। ये हॉल है, ये एक बेडरूम है, इसका साइज मैंने
प्लान मैं आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में, आप प्लान में देख सकते हैं साइज़ पूरा हॉल, लिविंग, बेडरूम, किचन, बाथरूम, यूटिलिटी। ये देखिए किचन है, ये एक बेडरूम है, ये बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट है। ये देखिए अभी 7 फीट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे अभी शेल्फ्स और अट्टा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टोरेज के लिए, आप सामान कुछ भी जो है लगेज यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इंक्लूडिंग यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह भी आप ऊपर स्टोर कर सकते हैं, वेस्ट अगर आपके घर के सामान में ज़्यादा कुछ वेस्ट भी है तो आप अट्टा में स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए किचन में भी एल शेप हमने शेल्फ प्रोवाइड किया है, ये पूरा सॉइल सेंटरिंग है, शीट सेंटरिंग नहीं है इसमें, यहाँ पे थ्रो लिंटल आता है, पूरा कंप्लीट लिंटल आता है 7 फीट में। ये देखिए अभी स्लैब है, स्लैब का रिइंफोर्समेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क भी चालू है। ये देखिए फैन बॉक्स, पाइप, जंक्शन बॉक्स, हमें कंसील्ड बीम भी दिया हुआ है इसमें रूफ में। ये देखिए रूम फर्समेंट, इलेक्ट्रिक वर्क भी है। ये देखिए कंसील्ड बीम, बीम का थिकनेस जो है 9 इंचेस है और हाइट आगे जो है इसका 15 इंचेस है रूफ बीम। ये देखिए एक्स्ट्रा बॉक्स, ये 8 mm थिकनेस और 10 mm थिकनेस का रॉड यूज़ हुआ है RCC में, 7 इंच और 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ये देखिए RCC का कॉन्क्रीट हो रहा है यहाँ पे, RCC का कॉन्क्रीट जो है M20 ग्रेड मिक्स है, 1 सीमेंट बैग, 1.5 सैंड और 3 जो है इसका एग्रीगेट है, 20 mm थिकनेस का होता है एग्रीगेट इसमें यूज़, राउंड शेप का होना है एग्रीगेट। साथ में इसका वाइब्रेशन भी प्रॉपर से होना है। ये देखिए लिफ्ट से कंक्रीट ऊपर पहुंचा रहे हैं। RCC कंप्लीट होने हो जाने के बाद यहाँ पे हमने वाटर प्रूफिंग भी कर लिया है, आपको यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट हमने लिक्विड भी यूज़ किया हुआ है। ये देखिए 2x2, ये देखिए अभी यहाँ पे हाउस का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया है इंक्लूडिंग आपको पैरापेट 3 फीट का। ये देखिए स्टेयरकेस, हमने यहाँ पे सेंटरिंग भी रिमूव कर दिया है पूरा, अभी आपको अंदर भी दिखाएंगे। ये देखिए ईस्ट वेस्ट का एंट्रेंस है, फिट आउट डायमेंशन आपको प्लान में मिल जाएगा, वो UPS के लिए ऊपर प्रोवाइड किया है। ये हॉल है, ये देखिए किचन का विंडो है, स्टेयरकेस, देखिए सीलिंग कितना अच्छे से आया है, एक बेडरूम है, नीमुड का फ्रेम है 5 इंच और 3 इंच का थिकनेस, एक रूम है, ये देखिए शेल्फ, ये वार्डरोब के लिए प्रोवाइड किया है स्पेस, हॉल, लिविंग एरिया, 4x4 का विंडो इन हॉल, यूटिलिटी, जनरल टॉयलेट, ऊपर अट्टा है जो सामान स्टोर करने के लिए,
अभी प्लम्बिंग वर्क चालू है, इलेक्ट्रिफिशियन वर्क भी चालू है। ये देखिए एक बेडरूम इंक्लूडिंग अटैच टॉयलेट, 3x3 का विंडो है। ये देखिए अटैच टॉयलेट है, वार्डरोब के लिए यहाँ पे भी प्रोवाइड किया है स्पेस। ये देखिए प्राइमर हो गया है आउटसाइड, अभी इनसाइड नहीं हुआ है, इनसाइड अभी ग्रेनाइट का वर्क चालू है, प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। ये देखिए प्लम्बिंग का वर्क कंप्लीट हो गया है, सिंटेक्स वगैरह रखना बाकी है अभी ऊपर। आउटसाइड जो है पूरा प्राइमर हो गया है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। चलिए अभी इनसाइड घर के अंदर देखते हैं काम क्या क्या हो गया है। ये देखिए एक्सटीरियर का गेट भी हमने फिक्स करवा दिया है, टीकोट का मेन रोड फ्रेम है, ये मेस्के रॉड्स है 16 mm थिकनेस। ये देखिए हॉल ग्रेनाइट हो गया है, वॉल का टाइल्स भी यूटिलिटी का हो गया है, किचन का टाइल्स भी हो गया है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। अभी वार्डरोब नहीं हुआ है, वार्डरोब का काम चालू है, वार्डरोब जो है ग्रेनाइट में हो रहा है और आउटसाइड से फ्रेम जो है प्लाईवुड का करेंगे इसमें। ये बजट का घर है। ये देखिए किचन का प्लेटफॉर्म हो रहा है अभी, ये जो शेल्फ्स है किचन का, ये यूटिलिटी है, यूटिलिटी का टाइल्स हो गया। ये देखिए जनरल टॉयलेट है, जनरल टॉयलेट का टाइल्स जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अभी देखिए पेंट का काम भी चालू है, अंदर जो है वॉल केयर का काम भी रहे अंडर प्रोसेस में है, फर्स्ट कोट हो रहा है वॉल केयर। ये देखिए अटैच टॉयलेट में टाइल्स का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे वार्डरोब के लिए एक्सकवेशन हुआ है बस। ये देखिए एक्सटीरियर एलिवेशन अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है काम। ये देखिए डिज़ाइन, ये देखिए पेंट कंप्लीट हो गया, आउटसाइड कितना खूबसूरत लग रहा है काम। बहुत खूबसूरत काम हो गया है, आउटसाइड से देखिए पेंट, आप प्लानिंग के लिए डिज़ाइन के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेन गेट और स्टेयरकेस के लिए ऊपर जाने के लिए भी हमने यहाँ पे गेट दिया है, पूरा एलईडी लाइटिंग का काम हो गया है, पेंट का काम हो गया, टाइल्स का काम भी हो गया है इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम विंडोज। ये देखिए लाइटिंग अभी, ये देखिए स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे प्लांटेशन के लिए प्रोवाइड किया है स्पेस। ये देखिए स्टेप्स, मीटर बॉक्स है, टीकूट का फ्रेम, एमएस रॉड 16 mm थिकनेस, रेडीमेड हार्डवुड डोर, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये बजट का घर है इसलिए। ये देखिए आउटसाइड के टाइल्स कितने खूबसूरत है, ये देखिए फॉल सीलिंग पीओपी का वर्क भी कितना खूबसूरत हुआ है, वहाँ पे यूपीएस रखने के लिए हमने ऊपर शेल्फ प्रोवाइड किया है। ये देखिए पीओपी फॉल सीलिंग हॉल, कलर का कॉम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत है, स्ट्रिप लाइट भी देख सकते हैं आप फॉल सीलिंग के अंदर। इसका डायमेंशन आपको प्लान में मिल जाएगा।
make a frame. देखिए टाइल्स अप टू 7 फीट, इसके ऊपर पेंट है स्टेनलेस स्टील का, वॉश बेसिन है 18 इंचेस 24 इंचेस का। ये देखिए शेल्फ किचन में, प्लेटफॉर्म जो है ग्रेनाइट में बनाया हुआ है कुकिंग पर्पस। ये देखिए बेडरूम, यहाँ पे हॉल में भी एक वॉश बेसिन है। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन जो है हॉल में कितना सिंपल और एलिगेंट है। ये देखिए फॉल सीलिंग, लीफ फॉल सीलिंग है, एल्यूमिनियम विंडोज 3 ट्रैक। ये देखिए वार्डरोब है ACP शीट का। ये देखिए मिरर बेडरूम में। PVC डोर। ये देखिए टाइल्स जो है वॉल टाइल्स है, फ्लोरिंग का भी टाइल्स है, इंडियन टॉयलेट है, यहाँ पे गीजर पॉइंट है, अंदर शोवर है। ये देखिए एक वॉश बेसिन जनरल इन हॉल। ये देखिए यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड जनरल टॉयलेट जो है एक ही साथ में है। ये देखिए 8 स्टोरेज के लिए, ये भी 8 जो है जनरल टॉयलेट के ऊपर स्टोरेज के लिए। ये जनरल टॉयलेट है, ये PVC डोर है। ये देखिए टाइल्स 12 इंचेस 18 इंचेस का टाइल्स है और फ्लोरिंग का 12 इंचेस पे 12 इंचेस का है। ये देखिए देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी इंडियन टॉयलेट है। ये हॉल, वेंटिलेशन के लिए विंडो के ऊपर 15 इंचेस और 4 फीट का हमने वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है बिलो द बीम, रूफ बीम। ये देखिए बेडरूम 2 है, यहाँ पे भी 3 ट्रैक का एल्यूमिनियम विंडोज है। ये देखिए फॉल सीलिंग लीफ का। ये देखिए ग्रिल वर्क और एल्यूमिनियम वर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ पेंट, रेडीमेड हार्डवुड डोर। ये देखिए वार्डरोब ग्रेनाइट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।